क्लास थ्री। आज हम लोग व्याकरण में लेसन नाइन पढ़ेंगे। लेसन नाइन में दिया हुआ है काल। क्या है? काल। काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ क्या है? समय। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया, और क्रिया और काल के बीच गहरा संबंध है। जैसा कि क्रिया का अर्थ है काम करना, और काल हमें उसी काम के करने का समय ज्ञात कराता है, मालूम कराता है। तो काल की परिभाषा हम इस तरह से बोल सकते हैं, जिस सबसे काम करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जिस सबसे काम करने या काम होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यहाँ पर आपकी किताब में भी परिभाषा दी हुई है, जिस सबसे क्रिया के होने के समय का पता चले, यानी क्रिया यानी काम करने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। कोई भी काम या तो हम बहुत पहले खत्म या समाप्त कर चुके होते हैं या फिर कर रहे होते हैं, और कुछ काम को हम दूसरे दिन या बाद में करने की सोचते हैं। इस तरह से हम काम करने के समय को तीन कालों में बांट सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं काल के तीन भेद होते हैं। जैसे कि आपके किताब में दिया हुआ है काल के भेद। काल के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी अभी का समय, अभी जो तुम बिता रहे हो, है ना, उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में काम होने का पता चले या बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो काम तुम अभी कर रहे हो, जैसे अभी मान लो तुम पढ़ रहे हो तो क्या काम कर रहे हो? पढ़ने का काम कर रहे हो। यदि तुम खाना खा रहे हो अभी तो क्या काम कर रहे हो? खा रहे हो, है ना, खाने का काम कर रहे हो, उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ती हूँ, तुम खेल रहे हो, माँ खाना पका रही है। तो इसमें आप ध्यान देंगे वाक्य में वर्तमान काल का उदाहरण किस प्रकार से होगा। जिस वाक्य के अंत में हूँ, है या हो, अंत में हूँ, है या हो, ऐसे वाक्य किस में आएंगे? वर्तमान काल के उदाहरण में आएंगे। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं के साथ हूँ लगा और मैं खाना अभी खा रही हूँ, है ना। तुम खेल रहे हो, तो तुम के साथ हो लग गया, यानी तुम अभी क्या कर रहे हो? खेल रहे हो, और माँ खाना पका रही है। तो इस तरह से वाक्य के अंत में क्या आया? हूँ, हो और है आया, है ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में हूँ, है या हो, वो वाक्य वर्तमान काल के उदाहरण होंगे। दूसरा है भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल का मतलब क्या है? बीता हुआ समय। भूतकाल का अर्थ क्या है? बीता हुआ समय। बीते हुए समय में काम पूरा होने या फिर समाप्त होने का पता चले उसे हम कहेंगे भूतकाल। जैसे कि आपके किताब में भी परिभाषा दिया हुआ है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में, यानी जो समय बीत गया उसमें होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता था, लड़की नाच रही थी, यानी राम पढ़ता था यानी वो पढ़ चुका है ना, और लड़की नाच रही थी यानी कि वो बीते हुए समय में नाच रही थी। अभी वो नहीं नाच रही है, बीते हुए समय में वो नाच रही थी, यानी नाच ली, है ना। तो इस तरह से जिस वाक्य के अंत में
लिंग के अनुसार था, थी, लिया, गया, गई, चुका, रहेगा, उसे हम भूतकाल के उदाहरण में वैसे वाक्यों को रखेंगे। तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल का अर्थ है आने वाला समय, है ना, आने वाला समय जो भविष्य में होगा। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के करने का यानी काम करने या होने का बोध हो होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी आने वाले समय में जो काम हम करेंगे या काम होने का पता चलेगा उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ेगा, लड़की नाचेगी, यहाँ पर भी क्रिया क्या हो गया, लिंग के अनुसार चेंज हो गया, है ना, पढ़ेगा और नाचेगी, या लड़की पढ़ेगी, लड़का पढ़ेगा, इस तरह से, है ना। और जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आएंगे उसे हम किस में रखेंगे, भविष्यत काल के उदाहरण में रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है राम पढ़ेगा, तो लिंग के अनुसार चेंज हो जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। तो वाक्य के अंतिम शब्द में गा, गे, गी आएंगे, है ना, वे होंगे भविष्यत काल के उदाहरण। जैसे कि वा पढ़ाएगा, वे पढ़ाएंगे, इस तरह से, वह पढ़ाएगी, खेलेगा, खेलेगी, खेलेंगे, नाचेगी, नाचेगा, नाचेंगे, इस तरह से, है ना। तो आप हमेशा काल के तीनों भेदों के उदाहरण में द्विधा नहीं करेंगे, है ना, हमेशा याद रखेंगे कि काल के तीन भेद हैं वर्तमान काल, और वाक्य के अंत में हूँ, है, हो, वो होंगे वर्तमान काल के उदाहरण, और भूतकाल में क्या होगा, था, थे, थी, या फिर लिया, चुका आदि सब रहेंगे, उसे हम भूतकाल के उदाहरण में रखेंगे। और भविष्यत काल में के उदाहरण में वाक्य के अंत में जो शब्द रहेगा उसमें गा, गे, गी रहेंगे, है ना, वे होंगे भविष्यत काल के उदाहरण। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। आप फिर से एक बार किताब को पढ़ेंगे, पेज नंबर 38, काल की परिभाषा, काल के भेद और उनकी परिभाषा को पढ़ेंगे और याद करेंगे। अगला वीडियो में हम फिर से इसे समझाएंगे और फिर हम लोग अभ्यास के प्रश्न को करेंगे।